डिस्कस किया है उसमें कोई डाउट है या कहीं पे कंफ्यूजन है? सी सिंपल थिंग है, यू नीड टू हैव अटमोस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. अगर कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू समबडी. तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतना तक होना चाहिए जहां पर आप किसी को समझा पाए. ऑल ऑफ दीज स्कूल्स आर लाइक हैविंग द सेम सेम मोटिव इज सेम. उनका कोर व्हाट यू कैन से द आइडिया और द रीजन और द एक्टिविटी व्हाट दे वांटेड टू डू इज सेम, दैट दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द कल्चरल एवोल्यूशन. कैसे कल्चर ऑरिजिनेट हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, कैसे इतने सारे वेरिएशंस आया है. इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पीपल केम अप विद डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, जिसमें हमने एक एवोल्यूशनरी अप्रोच देखा है. दैट वाज द फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो हम 1.4 सेक्शन में पढ़ा था. तो उस बेसिस पे यहाँ पर एवोल्यूशनरी स्कूल केम एंड इट एक्सप्लेन इट्स पर्सपेक्टिव. देन डिफरेंट स्कूल्स लाइक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और द डिफ्यूजनिस्टिक स्कूल, फंक्शनलिस्टिक स्कूल, स्ट्रक्चरलिस्टिक स्कूल. अभी हम कल्चर पर्सनालिटी बेसिस पे बात कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया है, कनेक्ट करके छोड़ दिया है एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी को, कंप्लीटली डीप नहीं गया है. सो ये वाला स्कूल जो है इट टेक्स दैट इन टू नेक्स्ट लेवल. थोड़ा डीप लेकर जाके इट विल एक्सप्लेन दैट हाउ कल्चर इज डिटरमाइंड बाई द पर्सनैलिटी, हाउ पर्सनैलिटी इज मोल्डेड बाई द कल्चर, हाउ दे आर कनेक्टेड, द वाइस वर्सा रिलेशनशिप. उसको समझते हैं थ्रू वेरियस पर्सन. दिस स्कूल एज आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ फीमेल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर देयर. इट ब्रॉट फेमिनिज्म इन टू एंथ्रोपोलॉजी, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड द टाइम पीरियड एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो हियर वी विल बी लुकिंग एट, एक बार सिलेबस खोल कर देख लीजिए इसमें कौन कौन है. वी विल बी लुकिंग एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूथ बेनेडिक्ट, मार्गरेट मीड एंड रैल्फ लिंटन. ठीक है, प्लीज गो टू द सिलेबस एंड सी रैल्फ लिंटन. वी विल ऑल्सो लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्डिनेर एंड कोरा डुबोइस. दीज आर द फाइव पर्सन दैट वी विल सी. थोड़ा सा बड़ा स्कूल भी है. आई थिंक 2020 इट हैज बीन आस्ड. 21 देर वॉज नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कूल. मे बी 22 वी कैन एक्सपेक्ट. ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर सम स्कूल से क्वेश्चन आना, मतलब इट हैज बिकम ए वेरी मच प्रिवेलेंट पैटर्न इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन. द वे दैट दे आर गोइंग टू आस्क मे डिफर. ठीक है, बट क्वेश्चन आर कमिंग. ठीक है, इसको कवर करते हैं. देन न्यू एवोल्यूशनिज्म एंड सिम्बॉलिक इंटरप्रिटेशन, देन पोस्ट मॉडर्निज्म, वो सब एक जगह पे हो जाएगा या दो सेशंस और. ठीक है, सो नो इश्यू एट ऑल. सो प्लीज नेक्स्ट हेडिंग रख लीजिए आप, दैट इज कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल. ठीक है, प्लीज क्लियर, ओवरव्यू इज क्लियर. सी अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा, सी द बेसिस लाइक द बिगिनिंग ऑफ इट कैन बी नो ट्रेस टू एडवर्ड साफे. उनका वर्क पे हम ट्रेस कर सकते हैं. Who has argued that the perception could be understood only when the thing perceived was viewed not as a separate element but as an organized pattern. If you understand from that perspective, then it will be easy to understand. And the initial works of it also comes from Franz Boas, who studied, मतलब who gave the concept of historical particularism. And from there, the genesis of cultural relativism has happened. So when the cultural relativism emerged, people started looking at the culture from the perspective of the natives, locals. So locals ka thought process ko samajna, how they are perceiving, how their personality is leading to that specific culture, how that specific culture is modeling their personality, is pe focus chala gaya hai. That's how this school of thought started integrating anthropology with psychology. Got the idea? So this is the basis of that particular school. Please write, culture and personality studies apply
द मेथडोलॉजीज ऑफ साइकोलॉजी methodologies of psychology to the field of anthropology. To the field of anthropology. तो इसीलिए कई बार इसका synthesis को कई बार ये भी notice करके कहते हैं, ठीक है, इसका synthesis को कई बार ये भी बोलते हैं कि culture and personality school of thought of anthropology sometimes referred as psychological anthropology. ठीक है, please write. This is why it is sometimes referred as psychological anthropology. Psychological anthropology. लेकु एक और dimension आया है. Socio-cultural anthropology में एक और dimension, एक और sub-branch came into being. Psychological anthropology. तो कल अगर 10 marks के लिए ये आया है, so what you have to write? Essentially from this particular school of thought, you can write this. You can approach this particular question. ठीक है, please write. इसमें लिख लीजिए. Next point में, it is a branch of cultural anthropology. It is a branch of cultural anthropology that seeks to determine range of personality types in a given culture and its impact on the culture and vice versa. मतलब देखो पर्सनालिटी हाउ इट डिटरमाइंस द कल्चर, मतलब इन दोनों के बीच में टू एंड फ्रो रिलेशन, मतलब हाउ कल्चर डिटरमाइंस पर्सनालिटी, हाउ पर्सनालिटी डिटरमाइंस कल्चर, इन दोनों का रिलेशन जो है इसको समझने के लिए यहां पर सी फॉर कल्चर पी फॉर पर्सनालिटी, दैट इज व्हाट दिस एंटायर स्कूल्स गोल इज. गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, इट्स बिगिनिंग कैन बी ट्रेस्ड टू एडवर्ड साफिर and Franz Boas's cultural relativism. Cultural relativism. Important proponents are Ruth Benedict. She was student of Franz Boas. Same Margaret Mead. She was also Margaret Mead. Ralph Linton. Cardinal. जब इंडिविजुअल्स का नेम लिखते हैं तब प्लीज एंश्योर दैट यू डोंट मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स. ठीक है, ठीक है, कार्डिनल. देन फाइनली लास्ट पर्सन इज कोरा डुबोइस.
डिबॉय, यस साइलेंट है डिबॉय, कॉरा डिबॉय कहते हैं, ठीक है डिबॉय।